ये कहानी है अबू बकर की, जो अपने दोस्त के बहकावे में आके एक गलत आदत अपनाने ही वाला होता है, मगर अबू बकर यहाँ आ गए, कुछ का टाइम हो गया। आओ भाई, कहाँ रह गए थे? अबू नमाज पढ़ रहा था। कुछ ज्यादा लंबी नमाज हो गई है, सब समझता हूँ तुम्हारे बारे में। जाओ, टाइम हो गया। क्या हुआ यार, कुछ परेशान लग रहे हो? बस यार, यहाँ कोई एक मसला हो तो बताऊँ, यहाँ तो हजारों मसले हैं। छोड़ो ये लो और अपने तमाम मसाइल भूल जाओ। अरे मैं ड्रग नहीं लेता। क्या हो गया, ये ड्रग थोड़ी है, बस फ्लेवर तंबाकू है, थोड़ा मजा और बढ़ बढ़ के बेफिक्री। अब्बू ने मुझे ऐसी चीज़ों से दूर रखने को रहने को कहा। इसमें जो ये चीज़ है ना, ये ड्रग नहीं है, इसमें चाय जितना ही नशा होता। अरे नहीं नहीं अरे देखो तो देखो, मजा आएगा। नहीं नहीं चाय जितना नशा होता कोई बीमारी वमारी थोड़ी जाएगी इससे। मैं भी तो जिंदा खाऊँ तुम्हारे सामने, पकड़ो उसे। ये अभी यहाँ से पीती, यहाँ से। अरे अबू बकर, जल्दी क्यों आ गए? अभी तो मैंने अखबार पढ़ना खत्म भी नहीं किया। आओ बैठो जाए। वो सही तबीयत खराब थी इसलिए उन्होंने जल्दी छुट्टी दे दी। अच्छा, वो ये बाहर एम्बुलेंस क्यों खड़ी हुई है? जमीर साहब का बेटा भी है शौकत जी, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसको दिल की बीमारी हो गई है इसलिए एम्बुलेंस आई, उसको अस्पताल ले जाए। वो क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को वे पता है, तो वे पे पीता था दोस्तों के साथ, आदत सी लग गई थी उसको। बस लंग्स में निकोटीन मिला है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कितनी बार सुना था मैंने, अबू बकर की सुबह में रहा करो, उसके साथ दोस्ती करो, उसके साथ पढ़ाई करो, खेलो कूदो। नहीं, उन्हें अपनी दोस्ती जारी कर दी, आवारा कर दिया करनी है। ठीक है यार, तुम जाके नाश्ता कर लो, नाश्ता लगा लगा टेबल पे। चलो बस ये सुनना था, और अबू बकर जो खुद कुछ देर पहले निकोटीन कंज्यूम कर चुका था, उसके अंदर एक परेशानी की लहर दौड़ पड़ी।